दोस्त, ये जो है धनबाद से जो है मैं एसी का बस ले चुका हूँ, 350 रुपया लगा है और ये शाम को 5 बजे छोड़ देगी। दोस्त अभी जो हूँ वो मैं रांची के लिए बस ले लिया हूँ, एसी का बस। अब रांची पहुँचते ही मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगा, तब तक आराम कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ वो एक सप्ताह के लिए घर आया था एमरजेंसी में, क्योंकि मेरा खुद का एंगेजमेंट था और हो चुका है। और अभी मैं रिटर्न अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो मेरा रांची से 6 बजे फ्लाइट है। तो अभी रांची पहुँच के मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ, मतलब ये कम्प्लीट करने वाला हूँ अपना ट्रैवल का एक्सपीरियंस है वो। और अभी जो है वैकेंसी चल रहा है, क्योंकि दिवाली में बहुत सारे बंदे जो है छुट्टी पे गए हुए हैं, अभी छठ का भी पूजा है, तो रिक्रूटमेंट है। तो जिसको भी मिलता है उसमें कॉल करें, उसे हिचकिचाएं नहीं, नंबर पे कॉल करें, वैकेंसी है तो उससे बात करें, लेकिन पैसे का डील मत करना कि पैसा देंगे ऐसा करके, क्योंकि कंपनी जो है वो पैसा नहीं लेती है रिक्रूटमेंट के लिए, उनको पैसे की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि वो खुद कंपनी चला रही है। तो बात करना, बात कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो अभी अभी जो मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची का। अभी अंदर जा कर मैं जो हूं वो दिखाने वाला हूं। तो जस्ट अभी जस्ट पहुंचा हूं एयरपोर्ट। दोस्त पहला एंट्री गेट जो है यहीं से है, मामू लोग खड़े हैं। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे अपना जो टिकट है वो दिखाना पड़ेगा, तभी आपको जो है वो अंदर जाने के लिए देगा। तो जो भी टिकट लेके आया वो कैरी कर ले, निकाल ले और अंदर लेके जाए। एंड यहाँ जो है इधर अंदर आने के बाद आपको यहाँ से जो बोर्डिंग पास मिलेगा, जो आपको मेन टिकट मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। यहाँ पर भी रेस्ट रूम है और ये बैठने का जगह है जहाँ के मैं रेस्ट रूम में भी बैठा हुआ हूँ, और मुझे जो है बोर्डिंग पास मिल चुका है। 2 बोर्डिंग पास है, क्योंकि मेरे को जो है सबसे पहले रांची से जो है वो कोलकाता जाना पड़ेगा, देन कोलकाता से मेरा अहमदाबाद का फ्लाइट है। 2 बोर्डिंग पास मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें जो है मेरा कॉस्ट सेविंग हुआ, और कलकत्ता जाने में भी टाइम लगता है इसलिए मैं रांची आ गया। और रांची से डायरेक्ट अगर लेते तो वहाँ का जो है बस का फ्लाइट ज़्यादा था, सॉरी फ्लाइट का कॉस्ट ज़्यादा था, तो इसके लिए मैंने जो रांची से लिया भैया कोलकाता। तो अभी रेस्ट रूम में है, अभी 6 बजे का मेरा फ्लाइट है, तब तक मैं कुछ खा लेता हूँ, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं जब से बस में बैठा। तो बस में बैठ के मैं यहाँ तक आने में मेरे को 5 से 6 घंटा लग गया रांची आने में, और अभी जस्ट सोचा यहाँ पहुँच के ही मैं कुछ खाऊँ पीऊँ, चूँकि एक बार जो है मेरा फ्लाइट छूट चुका है, तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं टाइम लेके ही निकला था और टाइम से पहुँच गया। चलिए नाश्ता कर लेते हैं, देखते हैं, मम्मी कुछ भेजी दी थी नाश्ता के लिए, तो वही नाश्ता करते हैं, अभी देखते हैं क्या दी है। भुर्जी पैक कर दी है कंटेनर में, और अभी खा लेते क्योंकि भूख लगा हुआ है थोड़ा, देन फिर वेट करते हैं जाने का। मेरा जो है अभी जाने का कॉस्ट जो है 6000 रुपये लग रहा है, क्योंकि मैं रांची से लिया इसके लिए। तो सभी जो है वो जाने का टाइम हो चुका है, और सभी को जो लाइन पे खड़े हैं, एंड सबका जो है बोर्डिंग पास जो टिकट है वो यहाँ पे स्कैन होता है, देन स्कैन होने के बाद यहाँ पे जो फील्ड में जाने के लिए एंट्री होता है। यहाँ पे सब आके वेट कर रहे हैं, क्योंकि बस आएगी, देन बस में जो है फील्ड तक लेके जाएगी, क्योंकि जो है फ्लाइट आप देख सकते हैं मेन फील्ड में है, तो वहाँ तक ले जाने के लिए आपको जो है बस में लेके जाएगी। यहाँ भी ये जो बस प्रोवाइड किया जाता है, सेफली आप आराम से बैठ के जा सकते हैं, एंड ये बस जो है फील्ड तक लेके जाती है, और वहाँ से जो आपको फ्लाइट में जो है बैठने का जो है वो दिया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड सब कोई जो है आराम से जा सकते हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, एंड ये जो है सब यहाँ पर भी जो है लाइन पे लगा हुआ है, तो यहाँ से भी जो है आपका जो है टिकट का जो वेरीफाई होता है, देन आपको जो है वो एंट्री दिया जाता है फ्लाइट के अंदर। और ये जो है पीछे से एक व्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और सब जो है यहाँ पे एंट्री ले रहे हैं। एंड ये मेन्यू है, ये टॉप व्यू है दोस्त, चूँकि दिवाली का टाइम है तो
लगभग हर घर में जो है वो ऑलरेडी लाइटिंग लगा हुआ है, तो टॉप व्यू है दिवाली में का टाइम में, और ऐसे भी दिन में जो है लाइटिंग बहुत अच्छा दिखता है टॉप व्यू से। एंड ये जो है अंदर का एक व्यू है जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ सब बैठे हुए आराम से, इतना ऊपर में होने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ लैंडिंग में, टेक ऑफ में और लैंडिंग में दिक्कत होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये जो है आप देख सकते हैं, और यहाँ जो है दोस्त मैं कोलकाता पहुँच चुका हूँ, और जो भी आप ट्रॉली बग कैरी कर रहे हो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से जो है वो आते हैं कन्वेयर के थ्रू से, एंड यहाँ से आप ले सकते हैं। दोस्त अभी जो है वो रात के 8 बज रहे हैं और मैं अभी कोलकाता एयरपोर्ट पहुँचा हूँ। अभी यहाँ से जो है रात को 9 बजे मेरा अहमदाबाद को फ्लाइट है, तो आप कभी भी अगर फ्लाइट ले रहे हैं तो कोशिश करें 1 घंटा पहले पहुंच जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत चेकअप होता है, जो कि अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इधर बहुत चेकअप होता है, और आप अगर पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो जो भी मेटल का सामान है, जैसे कि मेरा ये वॉच फर्स्ट रैक का जो कि इसमें मेटल है, तो ये उतारना पड़ेगा। आपका बेल्ट में जो मेटल है उसको उतारना पड़ेगा। आपका पास अगर कोई कॉइन है तो उसको आपको रखना पड़ेगा। तो सारा चेज जो है आपको निकालना पड़ेगा, ताकि आपका जो पूरा बॉडी का चेकअप होता है सेंसर के थ्रू से, तो वो डिटेक्ट कर लेता है मेटल को, तो वो आपको जो है वो अलग करना है। और अगर भीड़ रहेगा तो काफ़ी लेट भी हो सकता है, तो कम से कम विद इन 1 आवर जो है, एक आवर पहले जो आपको पहुंचना है, ताकि आप टाइमली पहुँच के अपना जो है वो फ्लाइट ले सकें। एंड जो है मैं अभी अहमदाबाद का जो मेरा फ्लाइट है वो रात को 9 बजे है, 9:25 पे। ये जो आप 2125 जो दिखा रहा है, ये रात को 9:25 पे जो है मेरा फ्लाइट है अहमदाबाद के लिए, ये कोलकाता टू अहमदाबाद। एंड ये जो फ्लाइट है रांची टू कोलकाता, जो कि अभी जस्ट ट्रेवल करके आए हैं, और बोर्डिंग पास इसका भी करवा लिए हैं, ताकि अंदर ही बैठना है और वहीं पे वेट करते हैं। और ये जो आप व्यू दे सकते हैं आप, ये जो है वो आज ये फर्स्ट फ्लोर का जो है वो व्यू है। यहाँ पे चूँकि ये लंबा है, तो आप कन्वेयर में जो है वो सीढ़ी में आप खड़े होकर आप सीधा सीधा मूव कर सकते हैं, ये वही है। अभी जो है वो मैसेज आया है तत्काल कि मेरा जो कोलकाता से अहमदाबाद का फ्लाइट जो था वो डिले हो चुका है, वो 10:30 हो चुका है, और उसका जो बोर्डिंग जो गेट है वो भी चेंज हो चुका है। तो टाइम थोड़ा मिल चुका है इधर रहने का कोलकाता एयरपोर्ट में, तो सोचा कुछ खा लेता हूँ, तो जिसके लिए मैंने जो है वो बर्गर ऑर्डर किया है, वेज बर्गर, और इसका जो है कॉस्ट 200 रुपये है। अभी देखते हैं साइज क्या आएगा, क्योंकि भूख काफ़ी तेज़ लग चुका है और फ्लाइट का टाइम भी चेंज हो चुका है, तो कुछ खा लेते हैं, क्योंकि उधर जो है अहमदाबाद 1 बजे छोड़ेगी, क्योंकि ये 1.5 घंटा लेट है, तो 1.5 घंटा लेट में भी 1.5-2 बज जाएंगे अहमदाबाद पहुंचने में, तो भूख लग जाएगी, तो इसके लिए सोचे कुछ डिनर कर लेते हैं, एंड देखते हैं अभी बर्गर में क्या आता है। ये जो है गाइस बर्गर आ चुका है, ये 200 का बर्गर, बटर वटर तो सही लग रहा है, फीस तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन एयरपोर्ट का जो है वो कॉस्ट ज़्यादा ही रहता है। ये बर्गर का साइज है, अभी इसको खाते हैं। फाइनली दोस्त जो है अहमदाबाद जाने के लिए फ़्लाइट आ चुकी है, सब यहाँ पे बैठ रहे हैं। एंड ये बाहर साइड का व्यू है कोलकाता एयरपोर्ट का। एंड जो है अभी जो है ये मैं अहमदाबाद पहुंच चुका हूं, एंड ये अहमदाबाद एयरपोर्ट का व्यू है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कलाकृति जो है वो चित्र बना हुआ है। एंड यहाँ से जो है मैं जो हूँ ओला बुक किया हूँ अभी, एंड ओला से जो मैं हूँ जाने वाला हूँ अहमदाबाद का जो है वो बस स्टेशन, ये जो है मैं बस स्टेशन पहुँच चुका हूँ। एंड मेरे को जो है ओला में 450 रुपये लगा, चूँकि नाइट का जो है वो सफ़र था, तो यहाँ अहमदाबाद बस स्टेशन है ये। एंड गुजरात के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए आपको जो यहाँ से बस मिल जाएगी इजीली, और सरकारी बस है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगती है। कोई क्यूरीज है तो दोस्त मेरे को जो है मैसेज डाल सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू।